If you have any problem in your sector, please contact us. We shall bring your problem to attention of Chandigarh administration. Let's all maintain our Chandigarh as Chandigarh beautiful. Fastback de member sahiban, mainu aaj badi khushi hai ki main tuhanu is jehda saadiyan duties ne aur jo kuch tusi kar rahe ho ohde utte assi ek चीज़ सामने ले आ रहे हैं जिहड़ी कि हर घर च पहुँच रही है। ये छोटी जी डाकूमेंट्री जो असी बनाई है वो असी उस जगह तो शुरू कर रहे हैं जिथे सारे ने अखीर उस सैक्टर नूं टच करना है। मेरा कहने तो मतलब 25 सैक्टर दे विच कम से कम 3000 तो ज़्यादा आया सर्वेंट ते वो सारे शहर च कम करते हैं। जिहड़ियां कंडीशन चो रह रहे ने जिथे वो जिहड़ा पानी पी रहे ने जो उत्थे गंद मचे है वो साढ़े वास्ते एक बहुत वड्डी लान दा काम कर रहा है जिन्हों असी बिल्कुल वो ना ते MC देख रही है ना उन्हों एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है ना ही असी देख रहे हैं जिहड़े रोज़ आके इत्थे गपशप मार के चले जाने हैं ग्राउंड दे उत्ते कोई काम नहीं करते। तो ये इस तो अगे तुहानू असी लै चलते हैं 25 सैक्टर जिथे तुसी अपनी अखां दे नाल देखोगे कि ये की हो रहा है। रस्का चलाता हूँ और दिहाड़ी करता हूँ, जो भी मिलता है वही कर लेता हूँ पेट के लिए। और बच्चे भी हैं 2-3 और जनानी भी है मेरी, वो भी कोठी करती है। इस एरिया में जो गंदगी है, हाँ सर, मतलब उससे आपको क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी बीमारी फैलती है, क्या करूँ, बच्चे बीमार हो रहे हैं और खुद बीमार हो रहे हैं। दवा कराते हैं, जाके डॉक्टर बुलाता है, 2 दिन आना 3 दिन आना 4 दिन आना, 400-500 खा जाता है डॉक्टर, तो हम आगे कहाँ बढ़ेंगे। और महंगाई कितनी हो रही, 50 रुपया दाल हो रही है, 50 रुपया दाल क्या खाएंगे हम। मोदी आया था, बंद करवा दिया था, अब ये फिर खुल गया, अब क्या करें इसको, कोई सरकारी बंदा आते नहीं। और वो मोदी आया था तब वो कर दिए थे। इतने प्रशासन वालों की कदम चुके गए थे इतने सफाई देने? सर हमारे तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी प्रशासन से की तरफ से हमारी सुनाई नहीं करता है। हमारे यहाँ पे एक साल से नाले रुका हुआ है, हमने नाले के साथ में हमने अड़ोसी पड़ोसियों ने ही पैसे इकट्ठे करके टूटी लगवाई है पानी पीने के लिए। किसी ने हमारे यहाँ टूटी नहीं लगवाई हुई है, और ये टूटी जो लगवाई हुई है इसमें भी ये जो नाले का पानी है इसमें लीक होके आता है। और हम प्रशासन पे आगे गुजारिश भी कर चुके हैं, कई लेडीज़ भी जा चुकी हैं, परीक्षण भी दे चुके हैं, क्या नाम उसका DC ऑफिस भी गए हैं, वाटर सप्लाई वालों के पास भी गए हैं। बस ये कहते हैं कल आके खोल देंगे नाला, कल आके आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं आता था। मोदी जी के आने से एक दिन पहले भी कई मैडमें और सर आए थे, अफसर लोग आए थे, वो कहते हैं हम खुलवा देंगे नाला आपका, कल खुल जाएगा नाला, लेकिन आया था कोई नहीं आया। सर वोट लेने सब भी आते हैं, लेकिन अब एक साल से तो यहाँ पे हमारा इतना बुरा हाल है ना, इस पानी को आप देख सकते हैं, इसकी फ़ोटो भी खींच सकते हैं आपकी, ये लेडीज़ आप देख सकते हैं इस तरह की कपड़े धो रही हैं, यहीं से पानी पीते हैं हम, इतना गंदा पानी है। इस पानी में भी अगर इसको उबाल के ना पिए तो इसमें ना कीड़े आते हैं, ब्रीक ब्रीक से कीड़े होते हैं, जैसे पानी इकट्ठा करके रख दो काफ़ी दिन का पानी जाता है उसमें नीचे कीड़े हो जाते हैं, वो चीज़ इस पानी में आ रही है, लेकिन कोई भी सुनाई नहीं करता हमारी। सर क्या नाम है आपका? सर विक्रम। और आपके कौन से बच्चे बीमार हैं यहाँ पे? हमारा सर ये लड़का बीमार है जी। सर क्या प्रॉब्लम है? इनको बुखार और लूज मोशन की प्रॉब्लम है। अच्छा जी, इसका पानी यहाँ पे रुका हुआ है काफ़ी, इसकी वजह से मच्छर मुच्छर पैदा होते हैं, इसलिए बच्चों को काटते हैं, बीमार पड़ते हैं बच्चे। यहाँ पे जो आए भी थे पहले करके गए थे, इसका समाधान सा उसके बाद भी फिर कुछ फर्क नहीं पड़ा। जिस टाइम मंत्री जी यहाँ पे आए थे उस टाइम एक बार सफाई हुई थी, उसके बाद कोई सफाई नहीं हुई यहाँ पे।
फ्रेंड तुसी सारे ने आ देखिया कि 25 सेक्टर का की हाल है कि असी इस शहर नू जिदा एक पासा सिटी ब्यूटीफुल कहलाए अते दूजे पासे ये भी साडा पार्ट है जे असी इनू नाल मिला दिए कि असी सिटी ब्यूटीफुल कहन दे हकदार हाँ। जे नहीं आओ ये बारे कुछ सोचिए, ये बारे कुछ करिए और इनू इस नू बेशक उन्होंने थोड़ी जी अकोमोडेशन चो रह रहे ने पर सफाई जड़ी है वो एक परमात्मा का नाँ है। सफाई आपां करवाण दे विच की मदद कर सकते हैं, किस तरह असी उन्हां दा मैसेज इनू सरकार नू उन्हां दा मैसेज MC नू दे सकते हैं, सारे बैठ के विचार करिए। मैं बहुत विश्वास है मैनू कि आपां जरूर इन्हां नू इहदे चों कढ के कंध चों इन्हां नू एक ऐसी रहन दी दशा और दिशा देईए ताँ कि उन्हां दा बीमारियां साढ़े दे नाल साढ़े घरां तक ना पहुँचन।